बाद की शाहिदाबाद थाना क्षेत्र की शालीमार गार्डन चौकी में चार शातिर अभियुक्त जो कि लूट के इरादे से पहुंचे थे, मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। जिनके नाम चांद इब्राहिम, जुनेद, चांद और आकाश हैं, ये बड़े ही शातिर लुटेरे हैं। इनके पास से पुलिस ने 41 एंड्रॉयड मोबाइल भी बरामद किए हैं, जिनमें से एक मोबाइल को कनेक्ट भी कर लिया गया है। इनके पास से पुलिस ने लूटी हुई स्कूटी और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इसके साथ ही अवैध असला भी पुलिस ने इनके पास से बरामद किया है। पकड़े गए अभियुक्तों में से चांद इस गैंग का लीडर है, जो कि दिल्ली NCR में बाइक पर घूमते हुए महिलाओं को अपना निशाना बनाता था और मोबाइल की लूट की घटना को अंजाम दिया करता था। पूरे NCR में इन सभी का एक बड़ा नेटवर्क जुड़ा है। चांद पर दिल्ली NCR में 14 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। एक बड़ी कामयाबी गाजियाबाद पुलिस को इस गैंग को पकड़ने में हासिल हुई है। ये तो काफी सारे दिनों से कर रहे हैं, 6-7 साल से लगभग ये कर रहे हैं, और ये पहले तो पकड़ में नहीं आए, बाद में ये पकड़ में। ये देख लीजिए, चांद का आपराधिक इतिहास इसमें है पीछे, और इस पर लगभग 14 मुकदमे इस पर चांद पर हैं, क्योंकि बहुत लेट ये पकड़ में आए। जब ये पकड़ में आए तब से इनका आपराधिक इतिहास खुला, और क्योंकि जो मोबाइल फोन ये बेच चुके थे IMEI चेंज करके और खोल के, उनका कोई रिकॉर्ड ये बताने में नहीं, लेकिन लगभग 10,000 के आसपास मोबाइल इन्होंने स्नैच किए हैं।